ओके तो ऑर्गेनल्स पे जाने से पहले सबसे पहले एक कंपैरिजन होता है यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक सेल्स के बीच में। तो हम एग्जांपल्स के तौर पे देख लेते हैं कि दोनों में डिफरेंस क्या है। ऑल्दो यू ऑल आर अ मास्टर पास आउट स्टूडेंट एंड आई एम एक्सपेक्टिंग दैट यू हैव अ प्रिटी मच गुड आइडिया रिगार्डिंग द यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक सेल। तो यहाँ पे मैंने फर्स्ट कॉलम में प्रॉपर्टीज के बारे में मेंशन किया है, सेकंड यूकैरियोटिक सेल एंड द थर्ड कॉलम इज फॉर द प्रोकैरियोटिक सेल। अगर हम बात करें सबसे पहले एग्जांपल्स की, तो यूकैरियोटिक सेल का एग्जांपल हो जाता है प्रोटिस्ट, फंजाई, एनिमल एंड प्लांट्स, जबकि प्रोकैरियोट्स की एग्जांपल की हम बात करें बैक्टीरिया एंड आर्की। लोकेशन ऑफ डीएनए के बारे में अगर हम बात करें रिगार्डिंग द यूकैरियोटिक सेल, डीएनए इज इन एन ऑर्गेनली कॉल्ड द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर डीएनए रहता है और डीएनए दैट इज जिस कंपार्टमेंट में रहता है दैट इज व्हाट द न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस एक डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। लेकिन अगर हम बात करें प्रोकैरियोट्स की, तो इसमें डीएनए कंसंट्रेटेड होता है एक पर्टिकुलर एरिया में जिसको हम मेनली न्यूक्लियोइड कहते हैं, और इसके पास दैट इज प्रोकैरियोट्स के पास न्यूक्लियस जैसा कोई मेम्ब्रेन इनक्लोजिंग स्ट्रक्चर नहीं होता है। मतलब कि आप ये कह सकते हो कि न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है प्रोकैरियोट्स में, लेकिन न्यूक्लियोइड होता है। अगर मीनिंग की बात करें तो यूकैरियोट्स का मीनिंग ही होता है जिनके पास ट्रू न्यूक्लियस है, और प्रोकैरियोट कौन कहलाते हैं जो कि बिफोर न्यूक्लियस ओरिजिनेट हुए थे। दैट इज व्हाई वी यूज टू कॉल इट एज अ बिफोर न्यूक्लियस एंड दे आर नॉट हैविंग एनी न्यूक्लियस। मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर की बात करें तो यूकैरियोटिक सेल में क्या क्या प्रेजेंट होता है, लाइसोसोम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, ER, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट, ये सब मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर है जिसके पास मेम्ब्रेन होता है, एंड प्रोकैरियोटिक सेल के पास ये मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर एब्सेंट होता है। साइज की बात करें तो यूकैरियोटिक सेल लार्ज होता है, प्रोकैरियोटिक सेल स्मॉल, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, प्रोकैरियोट्स में एब्सेंट होता है। सेल वॉल की बात करें तो यूकैरियोटिक में प्लांट सेल, प्लांट में एज वेल एज फंजाई में सेल वॉल पाया जाता है, प्रोकैरियोट्स में भी सेल वॉल पाया जाता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट रहता है, प्रोकैरियोट में प्रेजेंट नहीं रहता, क्योंकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को प्रेजेंट रहने के लिए न्यूक्लियस का होना जरूरी है और प्रोकैरियोट्स में तो न्यूक्लियस ही नहीं होते हैं। नेक्स्ट राइबोसोम की बात करें तो यूकैरियोटिक सेल में 70 एंड 80 एस दोनों पाए जाते हैं, प्रोकैरियोट्स में 70 एस पाया जाता है। सेल मेम्ब्रेन इन केस ऑफ अ यूकैरियोटिक सेल लिपिड बायलेयर एंड सेलुलोज के बने हो सकते हैं इन केस ऑफ अ प्लांट, जबकि प्रोकैरियोट्स की बात करें तो इट इज मेड अप ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन एज वेल एज लाइपोपॉलीसेकेराइड दैट इज LPS। हिस्टोन प्रोटीन यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट रहता है, प्रोकैरियोट्स में मेनली एब्सेंट रहता है। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो यूकैरियोटिक सेल आर कंसिडर्ड एज अ मल्टी सेलुलर एज वेल एज प्रोकैरियोट्स को हम सिंगल सेल मानते हैं। फाइन, नेक्स्ट टेबल आपको बताएगा रिगार्डिंग द डिफरेंट ऑर्गेनेल्स और उनके फंक्शंस के बारे में। नॉर्मली लाइक जब हम सेल बायोलॉजी पढ़ते हैं तो सेल्स के बारे में पढ़ते हैं, सेल्स में कितने टाइप के ऑर्गेनल्स होते हैं उनके बारे में हम पढ़ते हैं। तो अगर हम नॉर्मल बेसिस पे कहें तो न्यूक्लियस काफ़ी इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनली माना जाता है। तो न्यूक्लियस पी एंड ए का मतलब हुआ प्लांट एंड एनिमल बोथ, ठीक है। तो न्यूक्लियस दोनों में प्रेजेंट होता है, प्लांट एंड एनिमल। फंक्शन क्या है, डीएनए को स्टोर करने में काम आता है, ठीक है। वेट, लेट मी टेक दी लेजर पेन। ओके, फर्स्ट आता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस प्लांट एंड एनिमल दोनों में पाया जाता है। काम क्या है, डीएनए स्टोरेज एंड कंट्रोल ऑफ द सेल एक्टिविटी एंड जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, ठीक है। यानी डीएनए को स्टोर करना एज वेल एज एमआरएनए का सिंथेसिस, नॉर्मल ये सारा काम कहाँ होता है, न्यूक्लियस के अंदर होता है, यानी सारा जेनेटिक इन्फॉर्मेशन न्यूक्लियस के अंदर स्टोर होता है। माइटोकॉन्ड्रिया अगेन प्लांट एंड एनिमल दोनों में पाया जाता है, एनर्जी करेंसी ऑफ सेल माना जाता है बिकॉज इट यूज टू प्रोड्यूस दी ATP। क्लोरोप्लास्ट की बात करें तो अगेन प्लांट एनिमल दोनों में पाया जाता है, प्लांट में पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट, एंड इसका इस्तेमाल कहाँ होता है, फॉर कैप्चरिंग द एनर्जी फ्रॉम द सन, फूड प्रोडक्शन दैट इज द फोटोसिंथेसिस, ठीक है, इन सब में काम करता है। राइबोसोम अगेन प्लांट एनिमल दोनों में पाया जाता है, प्रोटीन सिंथेसिस में मेनली हेल्प करता है। पेरोक्सिसोम प्लांट एनिमल दोनों में पाया जाता है, इट मेटाबोलाइजेस द वेस्ट, ऑक्सीडेशन ऑफ अ फैटी एसिड और बाकी सारे कंपोनेंट का ऑक्सीडेशन करने में हेल्प करता है। साइटोस्केलेटन प्लांट एंड एनिमल दोनों में पाए जाते हैं, स्ट्रक्चर एंड शेप को मेंटेन करते हैं एंड मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं। वैक्यूल्स इट इज ऑल्सो प्रेजेंट इन प्लांट एंड एनिमल बोथ,
एंड इट प्रोवाइड द स्टोरेज एरिया. साइटोप्लाज्म अगेन प्लांट एनिमल बोथ एंड दे आर द होम ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स. सेल वॉल की बात करें तो प्लांट में सेल वॉल पाया जाता है, एनिमल में सेल वॉल नहीं पाया जाता है एंड दे प्रोवाइड द प्रोटेक्शन एंड सपोर्ट. गोल्जी बॉडी की बात करें अगेन इट इज़ प्रेजेंट इन प्लांट एंड एनिमल बोथ एंड दे आर यूज फॉर द पैकेजिंग एंड प्रोटीन प्रोसेसिंग. लाइसोसोम एनिमल्स में ज़्यादा पाया जाता है, प्लांट्स में रेयर केस है, ठीक है. एंड वॉट दे आर यूज फॉर ब्रेक डाउन एज वेल एज डाइजेशन ऑफ फूड एंड वेस्ट मटीरियल. सेल मेम्ब्रेन बोथ दोनों में पाया जाता है. दे कंट्रोल द इनवर्ड एंड आउटवर्ड मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस एंड सेलेक्टिव परमियबिलिटी को यह कंट्रोल करता है. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अगेन प्लांट एनिमल दोनों में पाया जाता है. एंड राइबोसोम का काम क्या होता है, राइबोसोम मेनली प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है. सॉरी, राइबोसोम जब ईआर पे एसोसिएटेड होता है तो वो कैसा स्ट्रक्चर दिखाता है, दैट इज आर ई आर का रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जैसा पूरा का पूरा सिनेरियो दिखाता है एंड दैट इज यूज फॉर दी प्रोटीन सिंथेसिस. और अगर हम स्मूद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करें तो इट इज अ साइट वेयर लिपिड विल बी सिंथेसाइज्ड. सेंट्रियोल एनिमल में प्रेजेंट होता है, सेल डिवीजन एंड माइटोसिस करवाने में हेल्प करता है. फ्लैजुला इज प्रेजेंट इन सम एनिमल एंड इट इज यूज फॉर द मूवमेंट पर्पज. सो आई एम एक्सपेक्टिंग ये सारी बातें आपको ऑलरेडी पता है क्योंकि आई थिंक हम लोग इसको बीएससी या फिर क्लास 12 से ही पढ़ना शुरू कर देते हैं कि क्या क्या ऑर्गेनेल्स कहाँ कहाँ काम करती हैं. अब इसका थोड़ा सा डिटेल वर्जन हम देखेंगे, जहाँ पे मेन मेन एरिया है वहाँ पे हम फोकस करेंगे. ओके, तो यहाँ पे कंसेप्ट आता है डबल एंड सिंगल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल का. यानी ऐसे भी ऑर्गेनल्स हैं बॉडी में जो कि डबल मेम्ब्रेन है और ऐसे भी हैं जो कि सिंगल मेम्ब्रेन है, ठीक है. तो सबसे पहले अगर आप ये टेबल देखें तो यहाँ पे आपको ये समझ में आ रहा है कि कितने सारे कंपार्टमेंट यानी कितने सारे ऑर्गेनेल हैं और उन्होंने सेल का कितना परसेंट ऑक्यूपाई करके रखा है. जैसे कि साइटोसोल की बात करें, इसने 54% पूरे सेल के वॉल्यूम को कंसिडर करें तो इसने 54% ऑक्यूपाई करके रखा है. माइटोकॉन्ड्रिया 22%, रफ आर ई आर 9%, स्मूथ आर ई आर 6, स्मूथ आर ई आर प्लस गॉल्जी दोनों मिलाकर 6, न्यूक्लियस 6. तो ये आपको एक आइडिया दे रहा है कि एक्चुअल में कितना परसेंटेज कौन ऑक्यूपाई करके रखता है. नॉर्मल बेसिस पे कहा जाए तो हर एक मेम्ब्रेन इनक्लोज होता है, यानी हर एक मेम्ब्रेन के पास अपना एक दैट इज बैरियर होता है जिसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं या सेल दैट इज ऑर्गेनेल्स का मेम्ब्रेन कहते हैं. और उनका भी जो फॉर्मेशन होता है वो वही होता है नॉर्मल प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, दैट इज फॉस्फोलिपिड से मिलकर बने होते हैं. फॉस्फोलिपिड प्रेजेंट होते हैं, प्रोटीन्स भी प्रेजेंट होते हैं. ओके, तो अगर हम कहें कि ऐसे कौन से ऑर्गेनल्स हैं जिनके पास डबल मेम्ब्रेन है तो इट विल बी न्यूक्लियस, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट. ये तीन ऑर्गेनल्स ऐसी हैं जिनके पास डबल मेम्ब्रेन है. और अगर मैं सिंगल मेम्ब्रेन की बात करूं तो इट इज एंडोप्लाज्मिक, जितना भी रह गया मतलब न्यूक्लियस माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट को छोड़ के जितने भी ऑर्गेनल्स रह गए वो सारे के सारे सिंगल मेम्ब्रेन होते हैं. इट मे बी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी, लाइसोसोम, परोक्सोसोम एंड मेनी मोर. तो बाकी सारे के सारे सिंगल मेम्ब्रेन हो गए एंड दिस इज अ डबल मेम्ब्रेन, दैट इज NMC. फाइन, ओके. तो ये आपके पास एक रफ स्ट्रक्चर है रिगार्डिंग द प्लांट सेल एज वेल एज एनिमल सेल. एक एक चीज के बारे में बात करने की जरूरत नहीं है बिकॉज हम सभी के बारे में बात कर चुके हैं. जिस टेबल की हेल्प से अभी हमने समझा उसी में हमने ये सब कुछ कवर कर लिया. बट यस, यू कैन टेक दिस स्लाइड फॉर योर हेल्प इन केस कभी आपको जरूरत पड़े तो. फाइन, तो हमारा पहला ऑर्गेनेल है दैट इज न्यूक्लियस. न्यूक्लियस का ओवरऑल फंक्शन जानने की कोशिश करते हैं कि ये काम कैसे करता है. सो द टोटल डीएनए इन एन ऑर्गेनिज्म इज रेफर्ड टू एज अ जीनोम. जितना भी डीएनए प्रेजेंट होता है एनिमल के अंदर दैट इज रेफर्ड एज अ जीनोम. न्यूक्लियस क्या है, न्यूक्लियस एक लार्जेस्ट ऑर्गेनेल है एनिमल सेल में. न्यूक्लियस इज फिल्ड विद अ क्रोमैटिन कंपोज्ड ऑफ अ डीएनए एंड प्रोटीन. इट इज अ साइट ऑफ डीएनए, एमआरएनए एंड टीआरएनए सिंथेसिस. इसके अलावा लाइक न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमैटिन प्रेजेंट होता है जो कि डीएनए एंड प्रोटीन से मिलकर बना होता है. इसके अलावा न्यूक्लियस इज अ एरिया ऑफ डीएनए सिंथेसिस, एमआरएनए सिंथेसिस एंड टीआरएनए सिंथेसिस. दिस इज अ ओवरऑल न्यूक्लियस, ठीक है. ये पिक्चर आप देख सकते हैं, ये न्यूक्लियस है. इसके अंदर जो है दैट इज क्रोमैटिन स्टोर्ड रहेगा. ये जो आपको सर्फेस पे छोटे छोटे से डॉट्स दिख रहे हैं दिस इज वॉट कॉल्ड द न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स, जो कि एक्चुअल में ट्रांसपोर्ट करवाने में हेल्प करते हैं. स्ट्रक्चर की बात करें तो ये भी डबल मेम्ब्रेन होता है. देखिए जब इसको एक क्रॉसिंग
सॉरी, इसका जब क्रॉस सेक्शन दिखा रखा है यहाँ पे आपको, तो दिस इज अ फर्स्ट लेयर, दिस इज अ सेकेंड लेयर, ठीक है। तो ये भी क्या होता है, ये होता है टू मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, ईच वन अ फॉस्फोलिपिड बायलेयर कंटेनिंग मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन, और अलग अलग प्रोटीन्स भी होते हैं। इसके अलावा न्यूक्लियर एनवलप होता है जो कि एक्चुअल में डबल मेम्ब्रेन कहलाता है। सो दिस डबल मेम्ब्रेन विच एक्ट एज अ बेरियर एंड इनक्लोज द कंटेंट ऑफ न्यूक्लियस, द आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज कंटिन्यूस विद द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और अगर आपने स्ट्रक्चर देखा होगा तो यहाँ से बाहर से ही जो है ईआर कनेक्टेड होता है, राइट, न्यूक्लियस से ही जुड़ा हुआ ईआर कनेक्टेड होता है, और उस ईआर पे छोटे छोटे से राइबोसोम्स होते हैं जिसको हम कलेक्टिवली कहते हैं आरईआर, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। न्यूक्लियोलस भी प्रेजेंट होता है। व्हाट इज न्यूक्लियोलस? इज अ न्यूक्लियर डेंस सब कंपार्टमेंट वेयर मोस्ट ऑफ द सेल्स आरएनए इज सिंथेसाइज एंड राइबोसोम आर असेंबल। तो न्यूक्लियोलस कैसा एरिया होता है? न्यूक्लियोलस यानी ये देख रहे हैं आप, ये वाला स्ट्रक्चर, ये वाला, ठीक है, यहाँ एक ये कंपार्टमेंट होता है। तो न्यूक्लियोलस किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? आरएनए सिंथेसिस के लिए, राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो न्यूक्लियोलस का फंक्शन क्या है? इट इज अ साइट फॉर द आरएनए सिंथेसिस। फिर आता है न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स। लाइक न्यूक्लियर पोर अलाउ मटीरियल टू मूव बिटवीन द साइटोसोल एंड न्यूक्लियस। ये जो छोटे छोटे से पोर्स आपको दिख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, ये छोटे छोटे से पोर्स हैं, यू कैन सी हियर, ये सब क्या है? ये सब न्यूक्लियर पोर है, ठीक है, सब के सब। आई थिंक ओके, मैंने गलत लेबलिंग कर दी यहाँ पे, वेट अ मिनट, दिस इज नॉट अ न्यूक्लियर पोर। ओके, ये हैं छोटे छोटे से, आई होप आप लोग को विजिबल होंगे ये, बिकॉज ये काफ़ी ज़्यादा जो है ट्रांसपेरेंट टाइप के दिख रहे हैं, ये सारे न्यूक्लियर पोर हैं। सो ये न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स है क्या? न्यूक्लियर पोर अलाउ द मटीरियल्स टू मूव बिटवीन द साइटोसोल एंड न्यूक्लियस, द सोल चैनल थ्रू विच स्मॉल पोलर मॉलिक्यूल एंड मैक्रो मॉलिक्यूल पास थ्रू द न्यूक्लियर पोर। तो न्यूक्लियर पोर से ही मैक्सिमम चीज़ें दैट इज न्यूक्लियस के अंदर और न्यूक्लियस के बाहर जाती हैं। अगर हम बात करें कौन न्यूक्लियस के अंदर जाता है, जो भी प्रोटीन जो न्यूक्लियस एरिया के लिए बनी है, और न्यूक्लियस के बाहर कौन सी चीज़ जाती है, जैसे कि हो गया राइबोसोम, दैट इज सॉरी, न्यूक्लियस के बाहर कौन सी चीज़ जाती है, जैसे कि हो गए एमआरएनए, जो एमआरएनए सिंथेसाइज होते हैं न्यूक्लियस के अंदर, वो न्यूक्लियस के अंदर ही तो प्रोटीन में नहीं चेंज होते ना, उनको बाहर आना पड़ेगा साइटोप्लाज्मिक एरिया में, तो वो फिर न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स का ही हेल्प लेते हैं। सो यहाँ पे सारी लेबलिंग करके रखिए कि दिस इज अ न्यूक्लियर एनवलप, ये बाहर वाला आउटर मेम्ब्रेन है, अंदर वाला इनर मेम्ब्रेन है, दिस इज अ न्यूक्लियोलस न्यूक्लियोप्लाज्म, दैट इज यहाँ पे जो लिक्विड कंसिस्टेंसी में पाया जाएगा, जो छोटे छोटे से यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, दैट इज अ राइबोसोम एंड दिस इज अ न्यूक्लियर पोर। सो डीएनए रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन एंड आरएनए प्रोसेसिंग, इन सभी का एरिया कौन होता है? न्यूक्लियस। एंड ट्रांसलेशन मेनली कहाँ होता है? साइटोप्लाज्म में। ओके, हमारा सेकेंड ऑर्गेनेल है, दैट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। सो आप देख सकते हैं दिस इज अ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के जस्ट साथ में ही एक स्ट्रक्चर बना के रखता है, दैट इज ईआर, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। तो दैट इज वॉट मैंशन, द न्यूक्लियर एनवलप इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू द एक्सटेंसिव सिस्टम ऑफ इंट्रा सेलुलर मेम्ब्रेन कॉल द एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। और ये क्या करके रखता है? न्यूक्लियस के बाहर एक्सटेंड होकर रखा है, देखिए, इट एक्सटेंडेड आउट फ्रॉम इट इन टू द साइटोप्लाज्म एंड इट इज मैकेनिकली सपोर्टेड बाई द नेटवर्क ऑफ इंटरमीडिएट फिलामेंट कॉल द न्यूक्लियर लेमिना। और न्यूक्लियर लेमिना के थ्रू जो है दैट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को सपोर्ट किया जाता है। मैनी प्रोटीन फोल्ड इन ईआर, एक्चुअल में अगर हम फंक्शन की बात करें, क्या फंक्शन करता है ईआर, बहुत से प्रोटीन ईआर में फोल्ड होते हैं, एज वेल एज मॉडिफिकेशन भी किया जाता है, जैसे कि एन लिंक ग्लाइकोसाइलेशन। एन लिंक ग्लाइकोसाइलेशन क्या करता है? ये एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम से ही बिगिन होता है, सो इट इज अ साइट फॉर द एन लिंक ग्लाइकोसाइलेशन। इसके अलावा दो टाइप के ईआर होते हैं, राइट, ये तो एक ईआर ये हो गया जिसके ऊपर ये सारा का सारा एक ईआर हो गया, एंड दिस इज अ सेकेंड टाइप ऑफ ईआर। ये कौन सा ईआर है? ये है रफ ईआर, क्योंकि इसके ऊपर छोटे छोटे से राइबोसोम्स प्रेजेंट हैं, तो रफ अपीयरेंस देते हैं, दैट इज वाई वी कॉल इट एज अ आर ईआर। और ये कौन सा है? दिस इज अ स्मूथ ईआर, क्योंकि इस पे कोई राइबोसोम नहीं होते हैं। ओके, सो द स्मूथ ईआर, दैट इज द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इज स्मूथ बिकॉज इट लैक राइबोसोम, सिंपल। इट इज अ साइट ऑफ सिंथेसिस ऑफ द फैटी एसिड एंड फॉस्फोलिपिड।
तो SER में, सॉरी दैट इज अ स्मूथ ER में देखा जाता है फैटी एसिड सिंथेसिस एंड फॉस्फोलिपिड का सिंथेसिस होता है. सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेम्ब्रेन ऑफ द स्केलेटल मसल सेल हैव अ स्टोरेज ऑफ कैल्शियम एंड कंटेन द कैल्शियम पंप. इसके अलावा जो स्केलेटल मसल्स होते हैं वहाँ पे सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाता है, उसमें कैल्शियम पंप का प्रेजेंस काफ़ी होता है बिकॉज सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज अ स्टोरेज ऑफ कैल्शियम. उनमें बहुत सारा कैल्शियम स्टोर रहता है, तो जब भी ज़रूरत हो तो उस कैल्शियम को पंप आउट करने के लिए कैल्शियम पंप का एक्टिवेशन किया जाता है. द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और ऑफ नॉन मसल सेल कंटेन अ सिमिलर कैल्शियम पंप बट इन अ स्मॉलर क्वान्टिटी. ऐसा नहीं है कि जो नॉन मसल सेल है उनमें दैट उनके लाइक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कैल्शियम पंप नहीं होता, उनमें भी होता है लेकिन थोड़े से नंबर कम होते हैं. द फ्लैटन मेम्ब्रेन बाउंड सैक इज प्रेजेंट कॉल द सिस्टरनाई. जो ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है ना, ये सब ये इस टाइप के स्ट्रक्चर का, ये इसको हम कहते हैं क्रिस्टरनाई और सिस्टरनाई. ओके, क्रिस्टरनाई कोई कहता है, कोई सिस्टरनाई कहता है, तो इसको नॉर्मली हम सिस्टरनाई कहते हैं. फाइन, नेक्स्ट ऑर्गेनेल इज गोल्जी बॉडी थर्ड. ठीक है, सो द गोल्जी एपरेटस आल्सो कॉल्ड द गोल्जी कॉम्प्लेक्स और गोल्जी बॉडी. इट इज अ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल ऑफ यूकैरियोटिक सेल दैट इज मेड अप ऑफ सीरीज ऑफ फ्लैटेंड स्टैक पाउच कॉल्ड द सिस्टरनाई. इसके पास भी क्या होता है, ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला, दिस इज व्हाट कॉल द सिस्टरनाई. तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी सिस्टरनाई से बना है एंड ER भी. सो द गोल्जी अपरेटस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टिंग, मॉडिफाइंग एंड पैकेजिंग द प्रोटीन एंड लिपिड इन टू द वेसिकल और डिलीवरिंग टू द टारगेट डेस्टिनेशन. तो गोल्जी का काम क्या है, गोल्जी का काम होता है ट्रांसपोर्टेड प्रोटीन को रिसीव करना या उसमें मॉडिफिकेशन करना या उस प्रोटीन और लिपिड को पैक करना एक वेसिकल के अंदर. अगर मान लीजिए कोई प्रोटीन दैट इज सॉरी गोल्जी के पास आया, तो हो ही सकता है कि वो इस छोटे से वेसिकल में उसको पैक करके उसके टारगेट ऑर्गन के पास भेज दे. तो ये तीन मेन यहाँ पे फंक्शन देखे जाते हैं दैट इज गोल्जी के. इट इज लोकेटेड इन द साइटोप्लाज्म नेक्स्ट टू द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड नियर द सेल न्यूक्लियस. ये कहाँ प्रेजेंट होता है, अगर मैं आपको ये पिक्चर दिखाऊं, ये बिल्कुल आपको यहीं पे प्रेजेंट दिखेगा. ठीक है, गोल्जी जो है यहीं पे आपको प्रेजेंट दिखेगा, यानी सबसे पहले न्यूक्लियस, फिर ER, उसके बाद आपको गोल्जी दिखेगा. दैट इज व्हाई इट इज मेंशन हियर, इट इज लोकेटेड इन द साइटोप्लाज्म जस्ट नेक्स्ट टू द ER एंड नियर द सेल न्यूक्लियस. व्हाइल मेनी टाइप ऑफ सेल कंटेन ओनली वन और सेवरल गोल्जी अपरेटस, प्लांट सेल कैन कंटेन 100. ऐसे बहुत से सेल्स होते हैं जिसमें देखा जाता है कि एक या एक से ज़्यादा गोल्जी हो सकते हैं, लेकिन प्लांट सेल में बहुत सारे लाइक इट कैन हैव अ मोर देन 100 गोल्जी अपरेटस देखे जाते हैं. ओके, नेक्स्ट देख सकते हैं आप, दिस इज अ कंप्लीट पिक्चर जो कि आपको एक अच्छे से आइडिया दे रहा है कि न्यूक्लियस कहाँ है, फिर ER ये रहा और ये रहा गोल्जी. ठीक है, गोल्जी का जो पोर्शन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरफ दैट इज माउथ करके रखता है, या जो साइड ER की तरफ रहती है, उसे हम सिस फेज कहते हैं. ठीक है, सिस फेज हो गया ये. नेक्स्ट अगर हम बात करें, ये वाला पोर्शन जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ रहता है, इसे हम ट्रांस फेज कहते हैं, जो मेम्ब्रेन प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ देखा जाता है. ओके, जब कोई भी प्रोटीन गोल्जी के पास आता है तो मैक्सिमम चांसेस होता है वो वेसिकल में पैक होने के बाद ही गोल्जी को लीव करेगा. और ER से गोल्जी में आने का तरीका भी क्या होता है, वेसिकल में पैक करके प्रोटीन को भेजना, और ये सब क्या कहलाते हैं, सिस्टरनाई कहलाते हैं. ओके, सो द अपरेटस हैज द प्राइमरी कंपार्टमेंट नोन एज जनरली एज अ सिस, मेड्यूला एंड ट्रांस. तो सिस ये रहा, मेड्यूला ये वाला एरिया हो जाता है एंड ट्रांस ये वाला एरिया हो जाता है. द सिस गोल्जी नेटवर्क एंड द ट्रांस गोल्जी नेटवर्क विच आर मेड अप ऑफ आउटर मोस्ट सिस्टरनाई एट द सिस एंड ट्रांस फेस आर स्ट्रक्चरली पोलराइज्ड. सबका अपना अपना लोकेशन है कि किस किस एरिया में कौन कौन प्रेजेंट रहेगा. द सिस फेस लाइज नियर द रीजन ऑफ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जैसे मैंने बताया सिस फेस जो है वो आपको ER के पास देखने को मिलेगा एंड ट्रांस फेज जो है सेल मेम्ब्रेन के पास देखने को मिलेगा.
These two networks are responsible for the essential task of shorting protein and lipid that are received at the cis phase or released at the trans phase by the organelle. The cis phase membrane are generally thinner than the other. अब यहाँ पे देखने को क्या मिलता है, देखिए कोई प्रोटीन जो ER से चला, मॉडिफाई हुआ या बिना मॉडिफाई हुए, डिपेंड करता है कि उस प्रोटीन का फेट क्या था. ये जब बाहर निकलता है ना गॉल्जी में जाने के लिए, तो ये वेसिकल फॉर्म में ही निकलेगा. फिर क्या करेगा, ये सबसे पहले सिस फेस में आएगा. सिस फेस के बाद क्या करेगा, चाहे वो प्रोटीन हो या लिपिड हो, इसके बाद ये पास होगा दैट इज ट्रांस फेस में. ट्रांस फेस के बाद डिपेंड करता है उसका डेस्टिनेशन क्या है, क्या वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जाने वाला है या किसी और ऑर्गेनली में जाने वाला है. लेकिन वो प्रोटीन जो है कुछ भी करके ट्रांस फेस फेस में जो है आएगा ही आएगा, क्योंकि उसको वहां से एग्जिट लेना है. इस सारे सिस्टम को हम एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम कहते हैं. मतलब किसको एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम कहते हैं, वो सिस्टम जो ER, गॉल्जी इन सबको कनेक्ट करता है. यानी ER जो है न्यूक्लियस से कनेक्टेड है, उसके बाद ER में आने वाला प्रोटीन गॉल्जी में जाएगा, गॉल्जी के बाद वो बाहर की तरफ जाएगा. बाहर की तरफ यानी वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर भी जा सकता है, वो किसी और ऑर्गेनली में भी जा सकता है. इसको हम कलेक्टिवली कहते हैं एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम. ओके, नेक्स्ट हमारे पास ऑर्गेनली है दैट इज क्लोरोप्लास्ट. क्लोरोप्लास्ट आर लोकेटेड प्रीडोमिनेंटली इन द मेसोफिल सेल्स ऑफ लीव्स. प्लांट में पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट. लीफ में एक सेल पाए जाते हैं जिसे हम बोलते हैं मेसोफिल सेल. मेसोफिल सेल में क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं. ठीक है, सो आप ये कह सकते हो कि क्लोरोप्लास्ट जो है मेनली आपको प्लांट में देखने को मिल सकता है, प्रोटोजोआ, ग्रीन एल्गी, ठीक है, इन सब में देखने को मिल सकता है. एंड ये क्या करता है, सोलर एनर्जी को यूज करता है ताकि ATP का प्रोडक्शन किया जा सके फोटोसिंथेसिस के थ्रू. इसके पास खुद का DNA होता है, एज वेल एज ये खुद भी प्रोटीन सिंथेसाइज करता है. लेकिन सारी प्रोटीन नहीं सिंथेसाइज कर पाता, कुछ प्रोटीन ये सिंथेसाइज करता है. लॉस्ट मोस्ट ऑफ देयर ओन जीनोम एंड बिकम हैवीली डिपेंडेंट ऑन द प्रोटीन दैट आर इनकोडेड बाई द जीन इन द न्यूक्लियस, सिंथेसाइज इन द साइटोसोल एंड देन इम्पोर्टेड इन टू द ऑर्गेनेल. जैसे मैंने कहा ये कुछ प्रोटीन अपने इनकोड कर सकता है लेकिन मैक्सिमम नहीं, क्योंकि विद द टाइम ऑफ अ इवोल्यूशन इनके पास उतना जीन जो है रहा ही नहीं है कि ये अपनी सारी रिक्वायरमेंट पूरी कर सके. तो क्या होता है, इनके लिए जो जीन की ज़रूरत है वो न्यूक्लियस के अंदर mRNA फॉर्म में बनता है. mRNA फॉर्म न्यूक्लियस को छोड़ के साइटोसॉल में आता है. साइटोसॉल में उस mRNA से प्रोटीन बनता है, फिर वो प्रोटीन को टारगेट किया जाता है दैट इज साइटोसॉल के अंदर, सॉरी क्लोरोप्लास्ट के अंदर. ठीक है, एच प्लस ग्रेडियंट फॉर्म अक्रॉस द थायलाकॉइड मेम्ब्रेन. इसके अलावा जो हाइड्रोजन का ग्रेडियंट होता है, हाइड्रोजन आयन का जो ग्रेडियंट होता है, जैसे आपको पता होगा माइटोकॉन्ड्रिया में भी देखने को मिलता है, सिमिलरली क्लोरोप्लास्ट में भी देखने को मिलता है, लेकिन थायलाकॉइड मेम्ब्रेन में देखने को मिलता है. नाउ व्हाट इज दिस थायलाकॉइड मेम्ब्रेन. अगर आप नॉर्मली देखें तो क्लोरोप्लास्ट में डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, ये रहा आउटर मेम्ब्रेन, ये रहा इनर मेम्ब्रेन. ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखते हैं कॉइन लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा. वेट, लेट मी रब दिस. ओके, दिस इज अ क्वाइन लाइक स्ट्रक्चर, राइट. इस एक क्वाइन को हम कहते हैं दैट इज थायलाकॉइड. अब ऐसे बहुत सारे जब थायलाकॉइड्स एक साथ मिल जाते हैं तो हम इसे बोलते हैं दैट इज ग्रैनम, विच इज अ स्टैक ऑफ थायलाकॉइड. ओके, और इसके अंदर जो एक्वस लिक्विड पाया जाता है दैट इज अ स्ट्रोमा, एंड थायलाकॉइड के अंदर थायलाकॉइड ल्यूमेन देखा जाता है. तो यही है कि H प्लस का ग्रेडियंट जो है थायलाकॉइड मेम्ब्रेन के अक्रॉस में स्टेब्लिश किया जाता है हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन. फाइन, अगला हमारे पास ऑर्गेनली है माइटोकॉन्ड्रिया. माइटोकॉन्ड्रिया एक यूकैरियोटिक सेल है. ठीक है, यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है, मतलब सॉरी यूकैरियोटिक सेल के सेल में इसका प्रेजेंस देखा जाता है. ATP प्रोडक्शन मेनली करता है बिकॉज ये पावर हाउस ऑफ द सेल माना जाता है, और इसको हम एक ढंग से मेम्ब्रेन इनक्लोज्ड एनर्जी कन्वर्टिंग ऑर्गेनली भी कहते हैं. सो दीज आर ऑफ अ टू टाइप, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट. मतलब कि एनर्जी कन्वर्टिंग ऑर्गेनलीज के बारे में बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट दोनों ही काम करते हैं, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है,
फोटोसिंथेसिस होता है, तो वहाँ भी कुछ ना कुछ एनर्जी रिच कंपाउंड का प्रोडक्शन होता है, एंड सिमिलरली माइटोकॉन्ड्रिया में भी होता है. माइटोकॉन्ड्रिया विच अकर इन वर्चुअली ऑल ऑफ द सेल ऑफ एनिमल, प्लांट एंड फंजाई बर्न फूड मॉलिक्यूल टू प्रोड्यूस एटीपी बाय ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन. तो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन की हेल्प से जितने फूड मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका यूटिलाइजेशन करके एटीपी का प्रोडक्शन किया जाता है. इसके पास अपना खुद का डीएनए होता है जैसे क्लोरोप्लास्ट के पास था, लेकिन इसके पास अपना सर्कुलर डीएनए होता है और ये अपने लिए प्रोटीन भी कोड करते हैं, लेकिन उतना नहीं जितना इनको ज़रूरत पड़ती है साइटोसॉल से. मतलब कि ये भी साइटोप्लाज्म से अपने लाइक इनका भी प्रोटीन जो है साइटोप्लाज्म में बनता है, न्यूक्लियस में एमआरएनए बनता है, फिर वो साइटोप्लाज्म में आता है, वहाँ पे प्रोटीन बनता है, फिर इनके अंदर इसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है, टारगेट किया जाता है. एच प्लस ग्रेडियंट जो होता है यहाँ पे इनके इनर मेम्ब्रेन में स्टेब्लिश होता है, बिकॉज वही वाले एरिया में ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन भी देखा जाता है. इट इज़ हैविली डिपेंडेंट अपॉन द प्रोटीन दैट इज इनकोडेड बाई द जीन इन द न्यूक्लियस एंड सिंथेसाइज इन द साइटोसॉल एंड देन इम्पोर्टेड इन टू दी ऑर्गेनली. ठीक है, और इसके अलावा अगर आपने जेनेटिक्स पढ़ी होगी तो आपको पता होगा कि माइटोकॉन्ड्रिया का रोल मैटरनल इनहेरिटेंस में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है. तो माइटोकॉन्ड्रिया को हम मेनली फेमस तरीके से जानते हैं मैटरनल इनहेरिटेंस के टॉपिक से भी, क्योंकि मदर जो है दैट इज आने वाले ऑफस्प्रिंग में अपने दैट इज अपने क्रोमोजोम का तो ट्रांसफर करती ही है, लेकिन साथ साथ में माइटोकॉन्ड्रिया का भी करती है, जिससे कि जिसकी वजह से हम इसको मैटरनल या फिर माइटोकॉन्ड्रियल इनहेरिटेंस के नाम से जानते हैं. अगर हम यहाँ पे स्ट्रक्चर की बात करें तो यू कैन सी कि ये रहा दैट इज अंदर की तरफ माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, ये रहा मैट्रिक्स ग्रैन्यूल्स, छोटे छोटे यहाँ पे आपको राइबोसोम्स भी देखने को मिल जाएंगे. इसके अलावा अगर हम ये बात करें तो दिस इज अ आउटर मेम्ब्रेन, इसमें कुछ पोरिन प्रोटीन्स भी प्रेजेंट होते हैं, एंड इसमें क्या होता है, इसमें होता है क्रिस्टी, ओके, सी आर आई एस टी ए ई, ये जो छोटे छोटे से इस ढंग से स्ट्रक्चर आपको दिख रहे हैं दिस इज अ क्रिस्टी. इसके बाद इसके अंदर मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है, क्रिस्टी का भी अपना मेम्ब्रेन होता है, एंड दिस इज अ इनर मेम्ब्रेन, और ये रहा दैट इज द इंटरसेलुलर स्पेस जो यहाँ पे स्पेस प्रेजेंट है. तो मेक श्योर कि ईआर में एज वेल एज दैट इज गॉल्जी में सिस्टरनाई होता है और माइटोकॉन्ड्रिया में क्रिस्टाई होता है, ठीक है, या क्रिस्टी आप कह सकते हैं, सी आर आई एस टी ए ई, फाइन. ओके, लास्ट आता है हमारे पास ऑर्गेनल्स दैट इज द पेरोक्सिसोम. पेरोक्सिसोम आर सिंपल मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल, इट कंटेन ऑक्सीडेज एंजाइम, इसके पास ऑक्सीडेज एंजाइम होता है. पेरोक्सिसोम और माइक्रो बॉडीज एज दे आर ऑल्सो कॉल्ड, क्योंकि इसको हम माइक्रो बॉडीज के नाम से भी जानते हैं, आर द मल्टी फंक्शनल ऑर्गेनली कंटेनिंग मोर देन 50 एंजाइम्स. इसमें बहुत से एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं दैट इज पेरोक्सिसोम में. इसका ओरिजिन ईआर से देखा गया है कि ईआर से ही इसका ओरिजिन हुआ है. अगर हम बात करें ऑर्गेनली का नाम पेरोक्सिसोम क्यों रखा गया है, बिकॉज इट इज अ साइट ऑफ सिंथेसिस एंड डिग्रेडेशन ऑफ द हाइड्रोजन पेरोक्साइड विच इज वेरी हाईली रिएक्टिव एंड टॉक्सिक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. क्योंकि पेरोक्सिसोम के अंदर ही पेरोक्साइड का सिंथेसिस एंड ब्रेकडाउन होता है, दैट इज वाई वी यूज टू कॉल इट एज अ पेरोक्सिसोम. हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज प्रोड्यूस्ड बाय द नंबर ऑफ पेरोक्सिसोमल एंजाइम इंक्लूडिंग द यूरेट ऑक्सीडेज, ग्लाइकोलेट ऑक्सीडेज एंड अमाइनो एसिड ऑक्सीडेज. इन सारे एंजाइम्स के थ्रू जो है हाइड्रोजन पेरोक्साइड का प्रोडक्शन होता है, एंड दैट यूटिलाइज मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन टू ऑक्सीडाइज देर रेस्पेक्टिव सबस्ट्रेट, और उसके बाद जो आने वाले सबस्ट्रेट होते हैं उनको भी ऑक्सीडाइज किया जाता है मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन का इस्तेमाल करके. The H2O2 generated in these reaction is rapidly broken down by the enzyme catalase, which is present in high concentration in these organelles. और साथ ही साथ देखिए जैसे कि पेरोक्सिसोम में ही H2O2 बन रहा है, पेरोक्सिसोम में ही H2O2 को बनाने के भी एंजाइम्स हैं और वहीं पे डिग्रेड करने का भी एंजाइम है, जैसे कि हो गया कैटलेज. ओके, पेरोक्सिसोम आर ऑल्सो प्रेजेंट इन प्लांट, प्लांट में भी प्रेजेंट होता है, और प्लांट में जो प्रेजेंट होता है पेरोक्सिसोम उसे हम बोलते हैं ग्लाइऑक्सीजोम. दिस इज अ स्ट्रक्चर ऑफ दैट इज द पेरोक्सिसोम, दिस इज अ लिपिड बायलेयर, और या फिर आप इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन कह सकते हैं. ओके, हमारा लास्ट ऑर्गेनली दैट इज द लाइसोजोम. लाइसोजोम एक मेम्ब्रेन इंक्लोज्ड ऑर्गेनली है विच इज फिल्ड ऑफ सॉल्युबल हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, बिकॉज इसका मेनली डाइजेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल देखा जाता है, एंड दैट डाइजेस्ट द मैक्रो मॉलिक्यूल्स.
लाइसोसोम एक्चुअली इसका ओरिजिन जो है ट्रांस गोल्जी नेटवर्क से हो रखा है। लाइसोसोम में भी नॉर्मली मोर देन 40 टाइप ऑफ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स पाए जाते हैं, जैसे कि हो गया प्रोटीएजेस, न्यूक्लिएजेस, ग्लाइकोसाइडेजेस, लाइपेजेस, फॉस्फोलाइपेजेस, फॉस्फाटेजेस, सल्फाटेजेस, ठीक है। और भी बहुत से एंजाइम होते हैं, मेंशन कर रखा है, लगभग 40 एंजाइम्स यहाँ देखे जाते हैं। ऑल आर एसिडिक हाइड्रोलिसिस, ठीक है। ये सारे एंजाइम एसिडिक हाइड्रोलिसिस हैं, दैट इज हाइड्रोलिसिस दैट वर्क बेस्ट एट एसिडिक पीएच, और ये मेनली एसिडिक पीएच पे ही काम करते हैं। फॉर ऑप्टिमम एक्टिविटी दे नीड टू बी एक्टिवेटेड बाई योर प्रोटियोलिटिक क्लीवेज विच ऑल्सो रिक्वायर एन एक्टिव इन्वायरमेंट। द लाइसोसोम प्रोवाइड दिस एसिडिटी मेंटेनिंग एन इंटीरियर पीएच ऑफ 4.5 to 5.0। तो अंदर का जो पीएच है लगभग पूरा का पूरा ही एसिडिक देखने को मिलता है। और एसिडिक पीएच क्यों होता है? बिकॉज लाइसोसोम के पास एक एच प्लस पंप पाया जाता है, जिसकी वजह से एच प्लस आयंस को यहाँ पे पंप किया जाता है, और एज अ रिजल्ट ऑफ दैट अंदर का जो पीएच होता है वो एसिडिक मेंटेन रहता है। और इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये सारे के सारे जो हाइड्रोलिसिस एंजाइम हैं ये एसिडिक पीएच पे ही काम करते हैं, और इनका मेनली प्रोटियोलिटिक क्लीवेज करके इनका मेनली एक्टिवेशन देखा जाता है। द मेम्ब्रेन ऑफ लाइसोसोम कीप द डाइजेस्टिव एंजाइम आउट ऑफ द साइटोसोल, और इस ढंग से जो है ये एंजाइम साइटोसोल से काफ़ी ज़्यादा अलग, दैट इज लाइसोसोम के अंदर प्रेजेंट रहते हैं। लाइसोसोम कंटेन डाइजेस्टिव एंजाइम दैट डीग्रेड द डिफंट डी फंक्शनल इंट्रा सेलर ऑर्गेनली एज वेल एज द मैक्रो मॉलिक्यूल्स एंड पार्टिकल्स टेकन इन फ्रॉम आउटसाइड द सेल टू द एंडोसाइटोसिस। जब भी हम एंडोसाइटोसिस पढ़ते हैं तो ये देखते हैं कि कोई भी ऐसे फॉल्टी प्रोटीन्स या फिर जिनकी ज़रूरत नहीं है या गलती से वो मतलब ऐसे बन गए हैं कि उनका अब कोई फंक्शन नहीं रहा और वो ठीक भी नहीं हो रहा, तो क्या किया जाता है? एंडोसाइटोसिस की हेल्प से उस पर्टिकुलर पोर्शन को लाइसोसोम से फ्यूज करवा दिया जाता है, और एज अ रिजल्ट ऑफ दैट उस पर्टिकुलर फॉल्टी प्रोटीन का या फॉल्टी फैक्टर का डिग्रेडेशन हो जाता है। सो विद दिस वी आर डन विद द होल ऑर्गेनल्स। आई एम एक्सपेक्टिंग कि ये सेशन आपके लिए यूजफुल रहा होगा। अगले वीडियो में हम कुछ और सेल बायोलॉजी के पोर्शंस के बारे में बात करेंगे। सो थैंक यू सो मच एवरीवन एंड कीप लर्निंग। नॉलेज का दामन छूना हुआ आसान, फिर चाहे वो लेक्चरशिप या पीएचडी का अरमान, हमारे पास है आपके हर एक मुश्किल का समाधान। हम पूरा करवाएंगे आपका हर वो अरमान। वेद में लेकर आया है डिटेल कोर्स फॉर सीएसआईआर 2024 एग्जामिनेशन। मिलेगा यहाँ आपको सब कुछ, न्यू पैटर्न के लेक्चर्स, वन टू वन डाउट क्लियरिंग सेशन, पीडीएफ नोट्स और भी बहुत कुछ। वेदमी, क्योंकि हर सपना हमारा है अपना। एनरोल नाउ एंड विजिट वेदमी वेबसाइट एंड डाउनलोड द ऐप फ्रॉम प्ले स्टोर। यूज करिए कोड WED20 फॉर गेटिंग द 20% डिस्काउंट। वेदमी, एजुकेटिंग इंडिया। वेदमी, एजुकेटिंग इंडिया।